सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब आ गए हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम एंड वेलकम टू माय सिक्स्थ एपिसोड ऑफ दिस उत्तराखंड सीरीज। और अब रानीखेत कवर करने के बाद हम निकल पड़े हैं अब रामनगर की तरफ। रानीखेत से रामनगर की दूरी 100 किलोमीटर की थी और इस दूरी को हमें पूरा करने में 4.5 घंटे का समय लगा। रास्ते में बेहद ही खूबसूरत व्यूज मिल रहे थे तो काफ़ी घने जंगल भी आए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए आपको सबसे पहले रामनगर पहुंचना पड़ेगा और रामनगर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामनगर का ही है और इसके अलावा मुख्य रेलवे स्टेशन हल्द्वानी और मुरादाबाद है। हल्द्वानी से रामनगर की दूरी 60 किलोमीटर की है और मुरादाबाद से 80 किलोमीटर की। हमारे पास थी हमारी खुद की बाइक, सो हम पहुँचे रानीखेत से रामनगर। इससे पहले हमने नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, कौसानी और रानीखेत को भी कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और घूमते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। रामनगर पहुंचने के बाद हमने लिया सबसे पहले एक होटल और उसके बाद जंगल सफारी के लिए बुक की ये गाड़ी। इस सफारी जिप की बुकिंग रेट 2000 रुपए की है जिसे आप डिस्काउंट करवा कर थोड़ा कम भी करा सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग, हम अब पहुंच गए हैं रामनगर और अब जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। ने जो गेट चूज किया है वो है बिजरानी, तो अभी चलते हैं बिजरानी गेट के अंदर और घूमते हैं जंगल। अभी हमें अमांडा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल गेट पे और हमने कर लिया है चेक इन और चलते हैं अब अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में स्थित है। आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए सबसे पहले रामनगर पहुंचना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 6 जोन में अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनमें से मेनली ढिकाना जोन, बिजरानी जोन, जीराना जोन, ढेला जोन, दुर्गा देवी और सीताबनी फॉरेस्ट जोन है। ढिकाना जोन और बिजरानी जोन में अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी बने हैं जिसमें आप अपना स्टे बुक करा सकते हैं। ढिकाना जोन और दुर्गा देवी जोन 15 नवंबर से ओपन होते हैं और बिजरानी जोन 15 अक्टूबर से खुल जाता है। इन जोन्स में लिमिटेड नंबर जीप सफारी होती है, जैसे कि बिजरानी में केवल 30 ही जीप सफारी एक शिफ्ट में जाती है और रश इधर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएँ तो अपनी जंगल सफारी ऑनलाइन ही बुक करके जाएँ। आप अपनी जंगल सफारी corbettonline.uk.gov.in पे बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको परमिट लेना पड़ेगा और एक आईडी कार्ड आपको गेट पे दिखाना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब आ गए हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच। अभी लिया एक छोटा सा हॉल्ट चाय और नाश्ते के लिए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ दिखता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी हमने पिए गर्मा गर्म चाय और लिया है 10 मिनट का ब्रेक। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, हमारी किस्मत हुई अच्छी तो आज हो जाएगी टाइगर की साइटिंग, वरना इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ही हम अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं फिर आगे और ले लेते हैं मज़े इस जंगल के। You've done to me.
जंगल सफारी का आनंद लेते हुए जंगल के बिल्कुल बीचों बीच घने जंगल में अभी हमने देखा एक पीकॉक और उम्मीद है कि कुछ टाइगर भी दिख जाए हमको, उसी के इंतज़ार में जा रहे हैं और अंदर बिल्कुल कच्चे रास्ते में और बहुत ही खूबसूरत जंगल है। निकारा जोन में केवल आप कैंटर से ही जंगल सफारी कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सभी जोन्स में आप जीप से सफारी कर सकते हैं, लेकिन इन सभी जंगल सफारी की बुकिंग आपको पहले से ही ऑनलाइन कर आनी पड़ेगी। जंगल सफारी मेनली दो शिफ्ट में होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट जो करीब 6 बजे चालू होती है और एक इवनिंग शिफ्ट जो करीब 3 बजे चालू होती है। हमने की थी मॉर्निंग की शिफ्ट में जंगल सफारी, क्योंकि सुबह के टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है और जंगल भी बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह के टाइम। तो अभी तक भी हमको नहीं दिखा है टाइगर और अभी भी है तलाश जारी, और देखो अगर किस्मत हुई तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, और हंट अभी तक जारी है तो ढूंढते हैं। आइए, शेर की साइटिंग हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो जंगल की खूबसूरती है सुबह का टाइम, जो जंगल में नेचर की खूबसूरती आप देखेंगे तो, और जो शांति जो जंगल के अंदर मिलती है उसका एक अलग ही नशा है, उसका एक अलग ही मज़ा है। रामनगर में रहने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ छोटे मोटे काफ़ी होटल्स हैं, इसके अलावा काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े और सुंदर रिजॉर्ट्स भी हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको जाने के लिए ऑनलाइन एक परमिट लेना पड़ेगा, जो कि एक पूरी जीप का परमिट होता है करीब 1200 रुपये का, और उसके अलावा आपको रामनगर पहुंच के एक जीप भी बुक करनी पड़ेगी जिसकी फेयर करीब 2000 रुपये का है। काफ़ी हंट करने के बाद टाइगर आज हमको स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था जंगल, नेचर को बहुत ही करीब से देखा, वो बहुत सुंदर था, और सुबह के टाइम तो फिर जंगल और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा हमने हाथी, स्पॉटेड डियर और काफ़ी तरह की बर्ड्स भी देखी, ठीक है टाइगर नहीं तो हमने नेचर को इंजॉय कर लिया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिम कॉर्बेट का, बहुत ही खूबसूरत जंगल था। तो ये था मेरा आज का वीडियो पूरा रामनगर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स को, और मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।